बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव के साथ वाराणसी में होटल प्रबंधन ने बदसुलूकी की और उन्हें सामान सहित बाहर निकाल दिया गया, जिसकी शिकायत तेज प्रताप यादव ने वाराणसी पुलिस से करते हुए होटल प्रबंधन के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए तहरीर दी है। दरअसल तेज प्रताप यादव शुक्रवार को वाराणसी दौरे पर पहुंचे थे, जहां वे कैंटोनमेंट स्थित अर्काडिया होटल में रुके थे। तेज प्रताप यादव देर रात वाराणसी में किसी काम से गए हुए थे। इसी बीच लगभग 1 बजे होटल प्रबंधन ने तेज प्रताप यादव का लगेज उनके कमरे से बाहर निकालकर सिक्योरिटी रूम में रख दिया। तेज प्रताप यादव जब मौके पर पहुंचे तो उन्होंने नाराजगी जाहिर की। इसके साथ ही उन्होंने CCTV कैमरा भी चेक किया। मामला जब सामने आया तो पता चला कि जिस रूम में तेज प्रताप यादव रुके थे वह सिर्फ एक दिन के लिए ही बुक हुआ था। रात 12 बजे के बाद होटल के GM ने सामान को बाहर निकलवा कर सिक्योरिटी रूम में रख दिया, जिसके बाद तेज प्रताप यादव होटल पहुंचे। उन्होंने देखा कि उन्हें होटल के रूम से बाहर निकाल दिया गया है, जिसके बाद तेज प्रताप के सहायक ने पुलिस से शिकायत की और होटल प्रबंधन के खिलाफ लिखित शिकायत दी, जिसके बाद तेज प्रताप होटल छोड़ते हुए बिहार के लिए रवाना हो गए। जी अपना नाम बता दे। हमारा नाम प्रदीप राय है। प्रदीप जी, क्या हुआ था, कौन आया था यहाँ पर? बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव जी, जो अपने मित्र हैं, वो यहाँ पे बनारस होटल में आए हुए थे और इसकी सूचना मिली तो हम लोग भी यहाँ आए थे मिलने के लिए। जब आए तो अभी देर रात तो 80 घाट पे भ्रमण करके जैसे होटल में वो आए तो ये पाया गया कि उनके बगल का जो सिक्योरिटी का कमरा था उस कमरे को के बैग को वहाँ से निकाल करके रिसेप्शन पर रखा गया था और उनके भी कमरे को खोला गया था, जो चीज़ें CCTV फुटेज में भी आई हैं। इसी संदर्भ में सिगरा थाने को FIR भी उन्होंने दी है और उच्च अधिकारियों को भी इसकी सूचना दी गई है। क्या मालूम चला कि कौन लोग थे वो लोग? होटल के GM का भी चेहरा उस CCTV फुटेज में आया है। क्या कुछ बातें हुई आप लोगों से? बातें हुई, उन्होंने बताया कि कमरा, उनका कहना था कि कमरा एक ही बुक था आज के लिए, जबकि ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई थी, ना ही कोई फ़ोन किया गया था और बिना जानकारी दिए ऐसा कृत्य किया गया। तो सीधे सीधे मंत्री जी की सुरक्षा को लेकर यह मामला बनता है। और अभी वो कहाँ गए? अभी वो काशी विश्वनाथ, जैसा वो बताया गया है कि मैं काशी विश्वनाथ जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए। उनके साथ और भी कुछ लोग थे या कुछ कहने वाले थे कि मीडिया से बातचीत के लिए? पुलिस क्यों उनको मना कर दी? पुलिस ने मना नहीं किया, उन्होंने अपना एक FIR दी है और उसकी कॉपी मीडिया को भी दी गई है।